हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो रहने वाली है। टर्म 2 का आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का सारा सिलेबस, जितना भी आपका टर्म 2 में आने वाला है सभी को हम जान लेंगे कि क्या क्या आपके चैप्टर के इंक्लूड हुए हैं जो कि टर्म 1 में आएंगे। अब टर्म 1 तो कम्प्लीट हो गया, बट आपको टर्म 2 का अब प्रिपरेशन करनी है। सो आपको इसलिए टर्म 2 का सही से सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन से नहीं हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश से हम स्टार्टिंग करेंगे, इंग्लिश हिंदी और लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए ये, एंड जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जो भी सोशोलॉजी अदर सब्जेक्ट हैं सबके सिलेबस को हम जान लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टर्म सेकेंड के सिलेबस जो कि इंग्लिश का है। इंग्लिश को जिन स्टूडेंट्स के पास है उससे हम अपनी स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो स्पेशली है ये 2021 टू 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए टर्म वाइज सिलेबस। ये टर्म 1 का दे रखा है इधर आपको और इधर दे रखा है टर्म 2 का। सो इतना यहाँ पर आपका डिवाइडेड है, तो हमें बस टर्म 2 से मतलब है। अब हमें टर्म 1 का नहीं देखना है, ये तो आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं टर्म 1 के, बट हमें अब फोकस करना है टर्म 2 के सिलेबस पे, तो हम वही जानेंगे। तो टर्म 2 का अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले जो टर्म 2 में आएगा आपका वो आएगा इंग्लिश के एग्ज़ाम में, आपका 14 मार्क्स का होगा, वेटेज रहेगी इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, यानी कि तो आपके दो पैसेजेस आएंगे जैसे कि आपके टर्म 1 में आए थे उसी तरीके से पैसेज आएंगे, दो पैसेज होंगे अनसीन पैसेज, और ये दोनों होंगे 14 मार्क्स के टोटल, यानी कि जो फर्स्ट वाला पैसेज होगा वो टोटल 8 मार्क्स का होगा एंड जो सेकेंड पैसेज रहेगा वो 6 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपके से 8+6 यहाँ पर 14 मार्क्स बन जाते हैं अनसीन पैसेज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। सो ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन, रीडिंग वाला पोर्शन हो गया, एंड मैक्सिमम चांस है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो शायद आपके MCQs ही हों। मैक्सिमम चांस तो MCQ के ही लग रहे हैं मुझे कि आपका जो रीडिंग वाला आएगा वो तो MCQ होंगे जैसे टर्म 1 में आया था, बट जो लिटरेचर होगा वो बिल्कुल सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे लिटरेचर से। सो यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है टर्म 2 में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यानी कि राइटिंग स्किल। ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें अपने, तो ग्रामर पोर्शन में आपके टर्म 2 में आएगा इंग्लिश में, एक तो आपका आएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स एंड और टू दी और दी रिप्लाइज टू इनविटेशन, यानी कि इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका राइटिंग स्किल में हो गया, ग्रामर में हो गया बेसिकली। एंड लॉन्ग राइटिंग में आ जाएगा एक रिपोर्ट राइटिंग और लेटर टू एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जॉब के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो किस तरीके से लिखी जाती है, बेसिकली ये तीन चीज़ें आपकी रहेंगी, रिपोर्ट राइटिंग जो जॉब की एप्लीकेशन होती है वो, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड। सो ये आपके तीन चीज़ें आएंगी ग्रामर पोर्शन में, और ये रहेगा आपका टोटल 8 मार्क्स का, यानी कि 3 और 5 मार्क्स की ये सारी चीज़ें रहेंगी। जो शॉर्ट राइटिंग रहेगी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन वो 3 मार्क्स का होगा, बट जो लॉन्ग राइटिंग में है वो 5 मार्क्स का होगा, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग इनमें शायद चॉइस हो सकती है, इसलिए ये 5 मार्क्स का मेंशन है, यानी कि 8 मार्क्स की वेटेज है आपकी ग्रामर पोर्शन की, ठीक है, राइटिंग स्किल्स की। अब मेन हम बात करें लिटरेचर पोर्शन की, तो लिटरेचर में आपका क्या क्या आएगा, लिटरेचर में बेसिकली आपकी दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो की है एंड विस्तास की है। सो यहाँ पर आपके 11 मार्क्स रहेंगे फ्लेमिंगो के और 7 मार्क्स रहेंगे विस्तास से, यानी कि फ्लेमिंगो के आपके ज़्यादा चैप्टर आएंगे और फिर विस्तास से कम मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का केवल विस्तास से आएगा और 11 मार्क्स का आपका फ्लेमिंगो बुक से आएगा। और इस तरीके से 11 का फ्लेमिंगो से हो गया, 7 का विस्तास से हो गया, इस तरीके से आपके 18 मार्क्स हो गए लिटरेचर पोर्शन के। तो 18 मार्क्स का आपका लिटरेचर पोर्शन आएगा। सो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं आपके लिटरेचर में। आपके जो फ्लेमिंगो का प्रोज है, यानी कि अगर हम फ्लेमिंगो की बात करें बुक की, तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक पोएट्री होती है, एक प्रोज होते हैं। प्रोज में बेसिकली लेंथी चैप्टर्स आते हैं, जो भी लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, स्टोरी बेस्ड चैप्टर, वो आपके दो चैप्टर आएंगे, एक द रेड ट्रैप और एक इंडिगो। ये दोनों चैप्टर आपके फ्लेमिंगो से प्रोज पोर्शन से आएंगे, जो कि एक्सप्लेन चैप्टर होते हैं। अब फ्लेमिंगो की जब हम सेकंड की बात करें, सेकंड पोर्शन की, तो उसमें पोएट्री भी होती है, पोएम्स भी होती हैं, तो इसी तरीके से उसके आपके दो पोएम भी आएंगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोएम है इसकी फ्लेमिंगो की, एक ही आएगी, एंड एक आएगी आपकी द आंट जानीफर्स टाइगर। तो ये आपकी ये दोनों जो पोएम हैं ये आ जाएंगी फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन से। सो यहाँ पर फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर हो गए, 2 पोएम हो गई, 2 प्रोज हो गए, इस तरीके से आपका फ्लेमिंगो का हो गया 11 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स का जो विस्तास का है, तो विस्तास से आपके 2 चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे सॉरी, विस्तास से आपके जैसे विस्तास में प्रोज ही होती है, विस्तास में पोएट्री नहीं होती है, सो इसलिए यहाँ पर आपके से 3 चैप्टर आएंगे। एक है शुड विजार्ड हिट मॉमी,
सेकेंड चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट एंड थर्ड चैप्टर है इवन स्ट्राइज ऑन ओ लेवल। सो ये तीनों चैप्टर आपके आएंगे विस्तार से। विस्तार से पोएट्री नहीं होती है इसलिए सिर्फ प्रोज के तीन चैप्टर हैं। तीन चैप्टर विस्तार से हो गए 7 मार्क्स के, ये तीनों आपके, और फ्लेमिंगो से ये दोनों हो गए, तो ये आपका हो गया लिटरेचर पोर्शन। आई होप आप समझ गए होंगे इंग्लिश का क्या वेटेज रहेगी, क्या रहेगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको वो आराम से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ASL होगा आपका 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ASL होगा। वाइवा होगा कोई टॉपिक का, ASL आपके बेसिकली स्कूल के टीचर ही लेंगे, और जो भी आपके वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, उसके मतलब 10 मार्क्स लग जाएंगे आपके ओरल के, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का आपका हो गया एग्जाम, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर से, 10 मार्क्स ASL से, तो 40 + 10 50 मार्क्स का आपका ये बन जाता है पेपर। सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा इसका इंग्लिश का। आई होप आप समझ गए होंगे सही से किस तरीके से आपके मार्क्स बने, किस तरीके से इंग्लिश के आपके वेटेज रही मार्क्स की, क्या क्या सिलेबस आएगा। सो हमने इंग्लिश का तो जान लिया है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा हिंदी पर। सो ये आपका जो है ये आपका हिंदी का सिलेबस आ गया है, एंड ये क्लास 12 की जो हिंदी की बुक है, हिंदी इलेक्टिव की, उसका सिलेबस है। ये आपका टर्म 1 में आया था, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना ये सब आपका टर्म 1 में आया था, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देखेंगे टर्म 2 का सिलेबस। ये तो टर्म 1 की बात हो गई, अब टर्म 2 में आपका क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। टर्म 2 में आपका आएगा ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी टर्म 2 में। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करें क्या क्या आएगा टर्म 2 में। सो सबसे पहले तो ये है अंतरा भाग 2 जो है आपकी बुक, उसका है। अंतरा में क्या है, हिंदी की जो अंतरा की बुक है, आपके पास बेसिकली जो हिंदी है उसमें 3 बुक होंगी, एक अंतरा है, एक अंतराल है, और एक अभिव्यक्ति और माध्यम है, यानी कि जो ग्रामर वाली बुक है, ठीक है। तो अंतरा से स्टार्ट करते हैं। अंतरा में आपकी 2 पोर्शन है, जैसे कि इंग्लिश में था प्रोज और पोएट्री वाला, इसमें भी प्रोज और पोएट्री वाला, यानी कि इसमें एक काव्य खंड है सबसे पहले, जिसमें कविता होती हैं, काव्य होते हैं, काव्य खंड, और एक गद्य खंड है जिसमें आपकी कहानी होती हैं, ठीक है। तो काव्य खंड से पहले जानते हैं काव्य खंड से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो काव्य खंड से आपके जो हैं वो चैप्टर आएगा, एक तुलसीदास का चैप्टर है, पोयम है बेसिकली, भारत राम का प्रेम और पद, यानी कि 2 चीज़ें जो 2 पोयम है ना वो तुलसीदास की लिखी हुई है पहले ही चैप्टर में। सो ये आपकी आ जाएंगी भारत राम का प्रेम और पद। और नीचे अगर हम बात करें, एक ये हो गया जिसमें 2 पोयम है। अब सेकंड है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि बारहमासा एक पोयम है, 12 मासा जो कि लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, की आएगी। और एक जो पद हैं वो लिखे हैं विद्यापति ने, तो ये आपके आ जाएंगे पद, ठीक है। ये 3 आपके काव्य खंड से आएंगे, जिसमें फर्स्ट में 2 पोयम थी, सेकंड में 1 है, और थर्ड में भी 1 ही है। तो यहाँ पर आपके ये 4 जो है काव्य हो गए, 4ों काव्य आपके आएंगे टर्म 2 में अंतरा भाग 2 से, ठीक है। काव्य खंड हमने समझ लिया है। अब गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में क्या क्या आएगा आपका। सो गद्य खंड में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो तो है असगर वजाहत का लिखा हुआ है, असगर वजाहत। तो असगर वजाहत का जो चैप्टर है वो है शेर पहचान, 4 हाथ और साझा, तो आपका एक ये चैप्टर हो जाएगा। सेकेंड है जो कि निर्मल वर्मा का लिखा हुआ है, जहाँ कोई वापसी नहीं, चैप्टर का नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं, एक ये है। और थर्ड चैप्टर है आपका दूसरा देवदास, जो कि लिखा है ममता कालिया ने, तो ये आपके 3ों चैप्टर इसके हो जाएंगे गद्य खंड के। तो ये गद्य खंड का हो गया आपका, और एक ये हो गया काव्य खंड का हिंदी का, ठीक है, हिंदी भाग 2 अंतरा भाग 2 से। सो अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम और अंतराल का, अभिव्यक्ति और माध्यम और अंतराल में क्या आएगा। तो सबसे पहले अंतराल का देख लेते हैं, अंतराल भाग 2 का है सिलेबस। अंतराल भाग 2 से आपकी जो बुक है उससे आपके 2 चैप्टर आएंगे, बुक में ही कम चैप्टर हैं, तो बेसिकली बस 2 ही चैप्टर आपके आ रहे हैं इसमें। एक विश्वनाथ त्रिपाठी का लिखा हुआ है, लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, जिसका चैप्टर का टाइटल है बिस्कोहर की माटी। तो ये चैप्टर जो है ये आएगा आपके टर्म 2 में अंतराल से। और एक आएगा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। सो ये चैप्टर हो गया आपका प्रभाव जोशी का लिखा हुआ है। सो ये दोनों चैप्टर आपके आ जाएंगे अंतराल भाग 2 से। सो ये अंतराल का सिलेबस है आपका। अब हम बात करते हैं अपने अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि जो ग्रामर का है, ग्रामर की जो बुक है आपकी, उससे क्या क्या आएगा। तो ग्रामर की बुक से आपका आएगा कैसे लिखें कहानी, एक तो ये आएगा।
और एक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये दो दूसरा हो गया। थर्ड है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये तीसरा हो गया। इससे आपके इस बार 5 चैप्टर आ रहे हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा चैप्टर, 5 चैप्टर हो गए। बट जब अगर हम बात करें टर्म 1 की, तो टर्म 1 में आपके सिर्फ 2 चैप्टर आए थे। एक आया था शायद कैसे बनती है कविता, और एक पत्रकार वो आया था जनसंचार माध्यम। सिर्फ 2 चैप्टर आए थे टर्म 1 में, जिसके मैंने MCQs भी अपलोड करे थे टर्म 1 के लिए। बट इस बार आपके 5 चैप्टर आएंगे, सो आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 4th वाला चैप्टर नए और विषयों पर लेखन, अप्रयाशित विषयों पर लेखन, 4th चैप्टर हो गया। 5th वाला है नाटक लिखने का व्याकरण, यानी कि नाटक किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो ये आपके हो गए अंतरा के, अंतराल के और अभिव्यक्ति और माध्यम, तीनों का हमने डिस्कस कर लिया है सिलेबस। यहाँ पर आप समझ गए होंगे अभिव्यक्ति से क्या क्या आएंगे, बुक खोल के देखेंगे आपको सारी पता लग जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये अंतरा अभिव्यक्ति और माध्यम, बेसिकली हिंदी का सिलेबस भी डन हो गया है। ये सभी का आपका जो है ये टर्म 2 में आएगा, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये सारा टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है, टर्म 2nd का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का, इतिहास का हम सिलेबस जान लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2 बुक रहती हैं हिस्ट्री की, सॉरी दो नहीं, आपकी 2 बुक तो आई थी टर्म 1 में, आपकी 2 बुक आई थी, बट इस बार आपके जो है 2nd और 3rd बुक से आएगा, यानी कि 3 बुक रहती हैं आपकी। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3rd है, सॉरी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, सो वो आया था आपका टर्म 1 में। पार्ट 2nd और 3rd वाला अब आपका टर्म 2nd में आएगा, टर्म 1 में 1 और 2 वाला आ गया था। सो फर्स्ट वाली जो बुक है उसका तो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये सारा आपका टर्म 1 का सिलेबस है, ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ये आपका कंप्लीट हो चुके हैं एग्जाम्स। अब हम बात करते हैं टर्म 2nd में। तो हिस्ट्री में जो टर्म 2 है उसमें आपका क्या क्या आएगा टर्म 2nd में? तो टर्म 2nd में आपका एक है चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 आएगा, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो ये राजा और इतिवृत्त, शायद ये चैप्टर का नाम है हिंदी में। सो चैप्टर 9 हो गया ये आपका, जो कि आपका चैप्टर 9, सिर्फ चैप्टर 9 10 नंबर का है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा मार्क्स का ये वाला चैप्टर आपका ले रहा है वेटेज, 10 मार्क्स ले रहा है पूरे। 40 नंबर का पेपर होगा, 40 में से जो 30 मार्क्स हैं वो ये सारे चैप्टर ले रहे हैं, बट जो 10 मार्क्स हैं पूरे वो ले रहा है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना है चैप्टर, जिसको जिसके आपको थीम के अंदर घुस जाना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाना है, वो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ही है, चैप्टर 9, ठीक है। सो चैप्टर 9 हमने देख लिया, चैप्टर 9 जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 है जिसमें आपका पूरा चैप्टर नहीं आएगा, हाफ चैप्टर आएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ हाफ चैप्टर आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा चैप्टर 10 का। आपका जो नेम है, जो चैप्टर 9 है ना, वो तो आपका सेकेंड बुक में, बट जो ये सारे चैप्टर हैं ये आपके 3rd बुक में हैं, ठीक है, और ये वाला 2nd बुक में। तो 2nd बुक वाला तो हमने देख लिया किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि 10 नंबर का है, लेकिन जो चैप्टर 10 है वो 2nd बुक से आ जाते हैं सारे चैप्टर। तो चैप्टर 10 का आपका टाइटल है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जो कि हाफ आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर हाफ, ठीक है, कितना हाफ है, पेज नंबर 257 से 274 तक आएगा, 274 तक बस आपका आएगा। अगर कोई टॉपिक 275 पे है सो वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 257 से शुरू है और 274 पर ख़त्म है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको ये बात ध्यान से रखनी है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी सिर्फ आपके पास 60 डेज़ हैं, अप्रॉक्स 2 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप, और ध्यान रखिए चैप्टर 10 जो है हिस्ट्री का उसमें आपका क्या आएगा, 257 पेज से 274 तक, ठीक है, 274 तक आपका आएगा, 274 तक आएगा। तो आपको बस इतने पेज नंबर से यही पढ़ना है, ठीक है, 257 to 274 आप टिक लगा लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया हमारा 10 मार्क्स का, 10 चैप्टर जो है वो आ गया, हाफ चैप्टर आया 10 का। अब जो चैप्टर 11 है वो आपका आएगा, जिसका चैप्टर का हमारा टाइटल है रेबल्स एंड द राज,
सो ये चैप्टर आपका आ जाएगा एक थर्ड बुक से आएगा आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिज्म मूवमेंट, चैप्टर 13 आएगा आपका, ठीक है, जिसका टाइटल ये है महात्मा गांधी वाला। एक आपका आएगा लास्ट जो टर्म सेकंड में आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नहीं आएगा, 12 चैप्टर नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 9, 10, 11, ठीक है, 11 के बाद डायरेक्ट 13 आएगा, 12 आपका डिलीटेड है, ठीक है, 12 नहीं आएगा और 14 भी नहीं आएगा, ठीक है, 12 और 14 आपके ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे, 15 तो आएगा आपका जो 9 है, 9, 10 के बाद आपका डायरेक्ट 15 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 चैप्टर में महात्मा गांधी वाला है, फिर 15 चैप्टर जो आपका आएगा वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान वाला चैप्टर है अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो। यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा पूरा, 10 मार्क्स आपके ASL वाइवा के होंगे, प्रोजेक्ट के होंगे, तो 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा 50 नंबर का, ठीक है। तो टर्म सेकंड का हमने हिस्ट्री का भी देख लिया है, हिस्ट्री में किस तरीके से टर्म टू में सिलेबस डिवाइड हुआ है, कौन सा चैप्टर हाफ हुआ है, कौन से डिलीट हुए हैं, हमने सब देख लिया। तो आपके कितने चैप्टर हुए हैं, 9, 10, 11, 13 एंड 15, कितने, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 हो गए, लेकिन 4, 4.5 चैप्टर आएंगे आपके, ठीक है, 4 एंड दी हाफ चैप्टर। हाफ चैप्टर जो है वो 10 वाला है, उसको पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हाफ ही आएगा, तो हाफ ही लगाएंगे। सो एक चैप्टर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और फोर आधा चैप्टर ये 10वां। तो इसलिए आपके 4 एंड दी हाफ चैप्टर इसके टर्म सेकंड के हिस्ट्री में हो गए, और जो कि आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का होगा। सो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो कि सब्जेक्ट है, नेक्स्ट हमारा जो हमने लिया है वो है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो ये आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का, हिंदी में बात करें तो समाज शास्त्र है कहते हैं हम सोशियोलॉजी को, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का आपका ये सिलेबस है क्लास 12 का 2021-2022 स्टूडेंट्स के लिए। टर्म वन में ये सारे सब्जेक्ट आए, ये सारे चैप्टर्स आए थे आपके, टर्म सेकंड में आपके सारे चैप्टर्स आएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि हमारी जो है वो 2 बुक्स आएंगी क्लास 12 की जो सोशियोलॉजी है, यानी कि 2 बुक हैं आपकी, कौन कौन सी हैं 2 बुक, दोनों ही NCERT बेस्ड हैं, एक है इंडियन सोसाइटी एंड सेकेंड जो बुक है वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो ये सेकेंड बुक है, तो जो आपकी इंडियन सोसाइटी बुक है वो आपकी टर्म वन में पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कुछ चैप्टर डिलीटेड हुए थे, बट जो भी चैप्टर आए थे वो टर्म वन में जो आपके आए थे वो इंडियन सोसाइटी से आए थे। तो अब आपको इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़नी है बिल्कुल, ठीक है, अब आपको बिल्कुल बेस्ड होना है सेकेंड बुक पे, ठीक है, बिल्कुल सेकेंड बुक से ही आएगा सब कुछ, फर्स्ट बुक से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है सेकेंड बुक से आएगा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया से। तो सेकेंड बुक में हमारा जो चैप्टर है वो आएगा आपका टर्म टू में, तो टर्म टू में आपका एक आएगा सबसे फर्स्ट चैप्टर, टर्म सेकंड में जो आएगा आपका सोशियोलॉजी से वो आएगा स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो आएगा आपका एक चैप्टर, और दूसरा चैप्टर आएगा कल्चरल चेंज। दोनों ये चैप्टर हैं, दोनों 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है, दोनों 5-5 नंबर के आपके चैप्टर होंगे ये। जो थर्ड चैप्टर आएगा वो है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, जो रूरल सोसाइटी होती हैं, सॉरी रूरल सोसाइटी, उनमें क्या क्या चेंज होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट आता है, वो सब कुछ थर्ड चैप्टर में आएगा, और ये 10 नंबर का होगा थर्ड वाला। फोर्थ चैप्टर है जो कि बिल्कुल ही रूरल सोसाइटी पढ़ा था हमने थर्ड में, फोर्थ में हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ लेंगे, ठीक है, औद्योगिकरण का पढ़ लेंगे, चेंज एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो भी 10 नंबर का होगा। एंड फिफ्थ जो चैप्टर है वो है सोशल मूवमेंट, ठीक है, किस तरीके से आंदोलन हुए समाज में, तो उस उनके बारे में हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी 10 नंबर का होगा। तो ये तीनों चैप्टर आपके हो जाएंगे 30 नंबर के, और 10 नंबर के आपके ये चैप्टर होंगे दोनों, मतलब 2 चैप्टर 10 नंबर के आ रहे हैं और 3 चैप्टर 30 नंबर के आ रहे हैं। सो ये तीनों चैप्टर ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं, ये दोनों चैप्टर 5-5 नंबर के थोड़ा थोड़ा आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज से थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा कल्चरल चेंज से आएंगे, बट ये जो 3 चैप्टर हैं ये 10-10 नंबर के आएंगे, यानी कि इन चैप्टर से ज़्यादा आएगा ये सारा आपका जो है ये टर्म टू में आएगा आपका, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका ये सब कुछ हो चुका है, 40 मार्क्स का आपका पेपर बन गया है ये टर्म सेकंड का। लेकिन अगर हम बात करें वो तो पेपर आपके 50 नंबर का आएगा, 50 टर्म वन में थे, 50 टर्म सेकंड में होंगे, दोनों को प्लस कर देंगे मार्क्स को, आपके बन जाएंगे 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स आपके लग जाएंगे। बट जो 40 मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स का लगेंगे, ASL में लगेंगे, वाइवा में लगेंगे, प्रोजेक्ट में लगेंगे, ये सब चीज़ 10 मार्क्स की आपकी हो जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह। सो यहाँ पर इसलिए आपके 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, प्लस करें 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के तो आपके 50 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, टर्म टू के।
सो आपको ध्यान रखना है यही सब कुछ आपके आएगा टर्म सेकंड में सोशियोलॉजी में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्थ की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उससे पॉल साइंस से क्या क्या आएगा टर्म सेकंड में। तो ये तो टर्म वन का आपका सिलेबस है, ये सारा तो टर्म वन का है, बट ये हमें नहीं पढ़ना है, ये तो टर्म वन में आ चुका है। तो हम टर्म सेकंड की बात करते हैं, टर्म सेकंड में आपका क्या क्या आएगा। तो टर्म सेकंड की बात करें, ये लिखा हुआ है टर्म टू, तो टर्म टू में आपके ये सभी कुछ आएगा जितना भी ये सब कुछ है। तो आपकी इसमें दो बुक्स हैं जो कि पार्ट वन है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो ये जो बुक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी जो है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सेंस इंडिपेंडेंस। सो ये दोनों जो आपके पार्ट हैं, पार्ट वन से आपके चैप्टर जो है वो आएगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, तो ये एक चैप्टर आ जाएगा। सेकंड आएगा साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, एंड थर्ड चैप्टर आएगा ग्लोबलाइजेशन। सो ये तीनों चैप्टर आपके आ जाएंगे पार्ट वन से, जो कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर होगा 8 मार्क्स का, और जो ये दोनों होंगे ग्लोबलाइजेशन और साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये आपके 6 मार्क्स के आएंगे, ये दोनों 12 के आएंगे, और ये अकेला जो है वो 8 नंबर का आएगा। यानी कि ये जो है ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहा है ये वाला चैप्टर, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो सभी पे करना है, बट इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि 2 नंबर एक्स्ट्रा ही हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट वन में हमने देख लिया ये तीनों चैप्टर आप समझ गए होंगे। पार्ट जो बी है, ठीक है, पार्ट बी क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जब यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय की जो पॉलिटिक्स चलती थी भारत के अंदर, वो सभी इस चीज़ें इस पार्ट बी में आप देखेंगे। एक है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का जो आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिजर्गेंस, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। एंड जो लास्ट चैप्टर है वो आपका 8 मार्क्स का आएगा। लास्ट चैप्टर कौन सा, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, तो ये आपका जो चैप्टर है ये 8 मार्क्स का आएगा। टोटल आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं ये टर्म टू में पॉलिटिकल साइंस में आएंगी। 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट और वाइवा के हो जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका पूरा चैप्टर जो है पूरा सारी जो पूरा आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगा 50 मार्क्स में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सा आ रहा है पार्ट वन से पार्ट टू से। सो ये सब चीज़ आएंगी पॉलिटिकल साइंस में, आप नोट डाउन कर सकते हैं। टर्म टू की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है क्लास ट्वेल्थ का उसका हम टर्म वाइज सर्कुलम देख लेते हैं। तो ये तो आपका टर्म वन का है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, सारे चैप्टर जो है आपके आ रहे थे ये टर्म वन में आ रहे थे, तो ये तो आपको नहीं पढ़ने हैं। टर्म सेकंड की बात करें तो टर्म सेकंड में आपका आएगा यहाँ से टर्म टू का सिलेबस, ये रहा आपका। तो टर्म टू की बात करते हैं, टर्म टू ये लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। टर्म टू में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव का मीन्स है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ उसमें होंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी हो सकते हैं इंक्लूड, जैसे कि पहले आते थे आप 2019, 2018, 2017 का जो भी आप सैम्पल पेपर देखेंगे उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से, यानी कि जैसे आपके क्लास 11th में 10th में आते थे उसी तरीके से अब आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में यानी कि जो आपका टर्म वन में एमसीक्यूज बेस्ड हुआ था वो नहीं होगा। अब आपके जो टर्म सेकंड है वो पूरा ही सब्जेक्टिव बेस्ड आएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें अगर हम इको की बात करें तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं दो बुक, ठीक है, पार्ट वन है पार्ट टू है। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं, पार्ट वन जो है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट बी। तो पार्ट वन से आपके दो चैप्टर हैं, एक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एरीगेट्स, एक चैप्टर हो गया, ये आएगा टर्म वन में, और एक आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे टर्म सेकेंड के अंदर, पार्ट वन जो बुक है उससे आ जाएंगे। और फर्स्ट चैप्टर है 10 मार्क्स का, सेकंड है 12 मार्क्स का, तो जो पार्ट वन है वो आपका 22 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 22 मार्क्स का आपका पार्ट वन रहेगा। अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में आपका ये आएगा चैप्टर करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सभी आपके 12 नंबर का आ जाएगा इससे पार्ट्स पार्ट बी का जो चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर, जिसमें आपके ये सारे
रहेगी ये सब चीज़ें, कॉम्परेटिव जो डेवलपमेंट है, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो ये आपका रहेगा 6 नंबर का। तो 12 और 6 आपके हो जाएंगे 18 मार्क्स हो रहे हैं, आपके 12 मार्क्स इस चैप्टर से और 6 इससे, तो 18 मार्क्स का हो गया है आपका पार्ट बी से, और 22 मार्क्स हो गए हैं आपके पार्ट ए से। तो ये सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके आएंगी टर्म टू में, टर्म टू के जो इको का पेपर होगा उसमें ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 40 मार्क्स का, लेकिन आपके जो 10 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट और ASL के लगेंगे। सो 50 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाता है पेपर। सो आपको देखना है 22 मार्क्स पार्ट ए से होंगे, 18 मार्क्स पार्ट बी से होंगे। सो ये सब चीज़ें, ये सारे चैप्टर आपके इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आपको प्रिपरेशन करनी है इको की, तो आप यही चैप्टर का करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी चैप्टर्स का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये सभी चैप्टर जो हैं आपके, ये भी। सो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की तो उसमें क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टर्म वन में आया था कंटेंट ज्योग्राफी का, वो ये सब चीज़ें आई थी टर्म वन में। तो हम अब बात करेंगे इसमें टर्म सेकंड की, ये सब चीज़ें आई थी आपके टर्म वन में, यूनिट 1, 2, 3 एंड पार्ट बी से यूनिट 1, 2, 3, तो ये सब आपके टर्म वन में आ चुका है। बट हमें देखना है टर्म सेकंड का, तो कोर्स कंटेंट टर्म सेकंड ये आपका आ गया है ज्योग्राफी का टर्म सेकंड का। टर्म सेकंड में क्या क्या आएगा आपकी चीज़ें, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। पार्ट ए जो है, जो कि आपका नाम है पार्ट ए का, जो आपकी बुक होगी उसका है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिससे आपका ह्यूमन एक्टिविटीज चैप्टर आएगा। चैप्टर के क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, टॉपिक्स वगैरह क्या क्या रहेंगे। सो आप इसको देख सकते हैं, यूनिट 3 है पार्ट ए का, यूनिट 3, ठीक है। 1 और 2 तो आपके टर्म 1 में आ गई थी, बट यूनिट 3 जो है जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है चैप्टर, वो आपका टर्म सेकंड में रहेगा। एंड यूनिट 4 से जो होगा आपका वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसके ये सारे आपके लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ये सब आपके चैप्टर आएंगे 6 नंबर के। तो ये वाला चैप्टर जो है जिसके टॉपिक्स हैं यूनिट 4, वो आपका 6 नंबर का रहेगा, और जो यूनिट 3 था वो आपका 9 नंबर का रहेगा। तो ये 9 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये सब आपके पार्ट ए से हैं। नेक्स्ट पार्ट ए जो हो गया वो आपका 15 मार्क्स का पार्ट ए होगा, 15 मार्क्स का पार्ट ए। बट जो अगर हम बात करें पार्ट बी की, ठीक है, पार्ट बी में आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये रहेगा, जिसमें पार्ट जो यूनिट 3 है, यूनिट 4 है एंड यूनिट 5 है। तो यूनिट 3 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा, जिसके ये सारे टॉपिक्स हैं, वो आपका 7 नंबर का होगा। यूनिट 4 जो है उसमें आपका आएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसके ये सारे टॉपिक्स रहेंगे 4 नंबर के। एंड जो लास्ट यूनिट है 5th, उसमें रहेगा ज्योग्राफिकल प्रस्पेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये दोनों 4 नंबर के आएंगे, तो ये आपका है ज्योग्राफी का सिलेबस, ठीक है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सभी कुछ आपका आएगा टर्म सेकंड में, ठीक है। ये टर्म 2 का सिलेबस है आपका, जो कि मैंने आपको बता दिया है पार्ट ए से, ये है पार्ट ए से आपका, ये सारी चीज़ें हो गई पार्ट ए से। ए पार्ट सेकेंड जो है वो आपकी पार्ट बी से है, ये सारी चीज़ें आपकी 2 बुक्स होंगी, इसलिए आपकी ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको जो यूनिट 5th है ज्योग्राफिकल प्रस्पेक्टिव इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम, जो कि 4 नंबर का है, उसके आप यहाँ पर सब टॉपिक्स को देख सकते हैं। 5th के आपके ये सब टॉपिक्स रहेंगे, और मैप वर्क होगा, 5 नंबर का मैप आएगा, मैप आता है जैसे कि हमेशा से ही, तो यहाँ पर मैप वर्क हो जाएगा आपका। 15 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क होगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे ज्योग्राफी में। सो आप, आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें जो भी आपके आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि हमारा है, सो नेक्स्ट जैसे कि अब हमारा आ गया है फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन आपका रहेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो फिज़िकल एजुकेशन का देख लेते हैं। इसका जो टर्म 1 है, टर्म 2 है, हाफ हाफ दे रखा है। ये सारा जो इधर का रहेगा ये सारा आपका टर्म 1 का होगा, इधर का रहेगा ये सारा टर्म 2 का होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है,
तो इस तरीके से ये डिवाइड हुआ हुआ है हाफ हाफ में, ये टर्म वन ये टर्म टू। तो टर्म वन टर्म टू, हमें टर्म वन का कुछ नहीं देखना है, टर्म टू का ही देखना है। तो देख लेते हैं टर्म टू में क्या क्या आपका आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म टू की, तो आपका टर्म सेकंड में आपका आएगा यूनिट थर्ड, यानी कि आपका जो चैप्टर थर्ड है ना, योगा एंड लाइफ स्टाइल, योग आसन वाला चैप्टर जो है उसी का वो आएंगे। और ये सारे उसके सब टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स, सारे ही सब टॉपिक्स ये योगा एंड लाइफ स्टाइल के हैं। ये देखिए योगा एंड लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर फोर, ठीक है, चैप्टर फोर जो है जिसका है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फोर CWS एंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड जिनको चाहिए होती है CWS वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनका इस चैप्टर में जिक्र होगा। ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं ये सभी इस चैप्टर के सब टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आएगा टर्म सेकंड, वो आएगा चैप्टर सेवन। तो चैप्टर सेवन जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये सब आपके टॉपिक चैप्टर सेवन में रहेंगे टर्म टू में। नेक्स्ट आएगा आपका टर्म टू में चैप्टर नाइन। ये सारी चीज़ें जो इधर हो रही हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगी, आपको ये नहीं देखनी है आपको। अब नेक्स्ट आएगा चैप्टर नाइन। तो चैप्टर नाइन से आपका जितना भी कुछ है वो सब दे रखा है यहाँ पर, चैप्टर नाइन के ये सारे टॉपिक। चैप्टर नाइन का आपका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं चैप्टर नाइन में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा लास्ट टर्म सेकंड में, वो आएगा चैप्टर टेन। तो चैप्टर टेन लास्ट चैप्टर है जो कि आपका आ रहा है टर्म टू में फिजिकल एजुकेशन में, जिसका टाइटल है टर्म चैप्टर टेन का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जिसके सारे टॉपिक्स वगैरह हैं ये सब आ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, ये सब नहीं आएगा, ये आपका टर्म वन में आ चुका है। जितना भी इधर की साइड है ना, ये सारा आपका नहीं आने वाला है, बस आपका टर्म सेकेंड में जो है वो आपका ये सब कुछ आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म सेकंड की बात करें हम, तो टर्म सेकंड में आपका चैप्टर थ्री आ रहा है एक, ठीक है, चैप्टर थ्री, और एक आ रहा है चैप्टर फोर। थ्री फोर हो गया, ठीक है, ये फोर है, थ्री फोर PDF आपको आराम से प्रोवाइड कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। थ्री फोर नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर सेवन, चैप्टर नाइन। तो सेवन नाइन थ्री फोर के बाद आपका चैप्टर सेवन और नाइन हो गया है, और एक टेन आएगा, ठीक है, थ्री फोर सेवन नाइन और टेन, ये सब आपका फिजिकल एजुकेशन में आएगा चैप्टर। आप नोट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, थ्री फोर सेवन नाइन और टेन, तो ये सारे आपके चैप्टर आएंगे। अगर आपको टॉपिक्स देखने हैं तो आप जूम करके आराम से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, PDF लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये सभी चैप्टर आपके आ जाएंगे टर्म सेकंड में फिजिकल में, थ्री फोर चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर सेवन चैप्टर नाइन एंड चैप्टर टेन। तो ये 40 मार्क्स का आपका रहेगा टर्म सेकंड का जो, और 10 मार्क्स इसमें प्रोजेक्ट के लग जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 5 नंबर उसके वाइवा के हो जाएंगे जो कि ओरल होगा, तो 10 मार्क्स बेसिकली प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, और 40 मार्क्स का एग्ज़ाम, 50 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए हैं फिजिकल में। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट है हमारा होम साइंस, ठीक है, गृह विज्ञान। तो होम साइंस की बात करें तो क्लास 12 की होम साइंस में ये सब ये टर्म वन में आए थे आपके, ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं ये सभी टर्म वन में आपको मिले थे देखने को, यानी कि यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री, ये सभी आपके यूनिट थ्री तक आया था टर्म वन में, बट हमें ये सब नहीं पढ़ने। अब हम बात करते हैं होम साइंस के, जो ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, इसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी एंड थोड़ी लेंथी वीडियो गई क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट का बताया है मैंने। फाइन आर्ट्स और उर्दू वाले बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, आप सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं, बट ये हमारे यहाँ जो है वो मेन सब्जेक्ट में लास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टर्म टू की होम साइंस की, ठीक है, होम साइंस। तो होम साइंस में टर्म टू में आपका आएगा यूनिट फोर यूनिट फिफ्थ यूनिट सिक्स। तो यूनिट फोर जो है वो है फैब्रिक एंड अपेरल, ये आएगा आपका फैब्रिक एंड अप्रैल जो चैप्टर है यूनिट फोर जो है आपका, तो यूनिट फोर का नाम है, उसमें से आपका एक चैप्टर ये आएगा डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अप्रैल, एक आएगा फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, एक ये चैप्टर है, और जो लास्ट चैप्टर है यूनिट फोर का वो आपका आएगा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि तीन चैप्टर आपके आएंगे फोर यूनिट से तीन चैप्टर हो गए। फिफ्थ वाली यूनिट से आपके दो चैप्टर आएंगे, यानी कि जो
टू चैप्टर हैं आपके, टू चैप्टर जो हैं वो फिफ्थ यूनिट से आ जाएंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आपकी यूनिट फिफ्थ है, उससे आपके एक आएगा चैप्टर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, यानी कि हॉस्पिटलिटी जो मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल्स में किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो सब आएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं कस्टमर होते हैं उनकी क्या एजुकेशन प्रोटेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ के सेकंड चैप्टर में। सो ये दोनों चैप्टर आपके यूनिट फाइव में हो गए, ये तीनों आपके हो गए यूनिट फोर में। अब बात करें यूनिट सिक्स की, सो यूनिट सिक्स कौन सी, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ये यूनिट सिक्स है, इससे आपका एक चैप्टर होगा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यानी कि यूनिट जो आपका सिक्स आएगा उससे बस आपका एक ही चैप्टर आएगा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। यूनिट सिक्स कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है और इससे आपका बस एक ही चैप्टर आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। पिछली बार टर्म वन में जो यूनिट वन थी उसमें एक चैप्टर था और इसमें क्या है टर्म टू में आपको एक चैप्टर मिल गया है यूनिट सिक्स में। सो ये आपके चैप्टर्स आएंगे टर्म सेकंड में, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होम साइंस का है ये सिलेबस, ठीक है। तो ये सारे आपके टर्म टू का सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में, ये सारे चैप्टर यानी कि तीन चैप्टर इसमें हो गए, इसमें हो गए दो चैप्टर और इसमें हो गया एक चैप्टर, तो आपके कितने चैप्टर, दो तीन दो पाँच और छः चैप्टर आपके टोटल हो रहे हैं सेकेंड यूनिट में, यानी कि सेकेंड टर्म में ये सब आपके चैप्टर हो रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, एंड अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में आके उसकी पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, ज़रूर आपको मैं देखूँगी कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो ज़्यादा चाहिए, सो उसकी वीडियो पहले आ जाएगी। सो यहाँ पर तो आई होप आपको सिलेबस और टर्म टू का अच्छे से समझ आया हो हर सब्जेक्ट का, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।